हेलो नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग जानकारी में आपका स्वागत है। देश के कई हिस्सों में भयंकर से भयंकर बारिश का दौर अभी तक भी जारी है। मौसम विज्ञान IMD के मुताबिक आज भी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश समेत 15 राज्यों में भयंकर से भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के करीब 8 दिन बाद ही आज 1300 मिले हैं। समेज में बादल फटने के बाद कई लोग लापते थे तो उनके ही ये शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना समेत सभी नदियां उफान पर है। वाराणसी में 80 घाट और सुबह ए बनारस समेत करीब 80 से भी ज्यादा घाट पानी में डूब चुके हैं। नौकायत के बाद क्रूज पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। गंगा आरती वगैरह सभी की सभी ठप है और बताया जा रहा है कि सावदाह छतों पर और गलियों में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर डैम के 18 गेट 1.5 मीटर तक और इंदिरा गांधी सागर बांध के 12 गेट 2 मीटर तक खोल दिए गए हैं। 9 से 12 अगस्त तक देश में बारिश की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी यहां पर भारी बारिश का दौर हो सकता है। वहीं बिहार में गंगा, गंडक, बागमती और कोसी नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदियों का जल स्तर बढ़ने से सीतामढ़ी, सुपौल, गंगा सहित कई इलाकों में भयंकर तरह से बाढ़ के हालात हैं, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कटिहारी के करीब 40 गांव पूरी तरह से डूब गए हैं और बताया जा रहा है कि कटिहारी में एक नदी में ब्रिज बनाया जा रहा है और उसके पिलर वगैरह हैं पूरी तरह से गंगा में ही समा गए हैं। 5 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री ने यह योजना चालू की थी, जो अब तहस नहस होने के कगार पर है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में रेत के बड़े बड़े टीलों और मीलों फैले रेगिस्तान की तस्वीर इन दिनों पूरी तरह से बदल गई है। हर ओर पानी पानी नजर आ रहा है और बारिश से 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। जैसलमेर में अगस्त महीने में 2016 के बाद इस तरह से भयंकर पानी बरसा है। जिला प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और तबाही इतनी है कि प्रशासन भी हर जगह पहुंच नहीं सकता है और ऐसे में कलेक्टर खुद जाकर मौका मुआयना भी कर रहा है। रेतीले दौरों के दुनिया भर में अपनी पहचान रखने वाला सम गांव इस टाइम में पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। तो दोस्तों, देश भर की मौसम विभाग से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।